तो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक माई यूट्यूब चैनल में। तो आप लोग का बहुत काफ़ी दिन के बाद एक न्यू वीडियो में स्वागत है आप लोगों का। सो गाइस, आप लोग को ये सब का बैकग्राउंड का लिंक मिल जाएगा, मेरे टेलीग्राम में जाके ज्वाइन होके डाउनलोड कर सकते हो। तो मैं अब स्टार्ट करता हूँ एडिटिंग। ओके गाइस, आपको इस बैकग्राउंड को ओपन कर लेना है पिकार्टिस में, जैसे मैंने कर रखा है। तो आपको फिर से ऐड फोटो में जाना है। ऐड फोटो में जाने के बाद अपने मॉडल को सिलेक्ट कर लेना, बैकग्राउंड कटआउट कर लेना। देखो मैंने कटआउट किया है, फ़ोटो रूम लिखा है। तो गाइस ऐसे ही कुछ लिखा रहेगा। तो आपको अपने फ़ोटो को कुछ इस टाइप से लगा लेना है और ऐसे लगा लेने के बाद इसका ओपेसिटी कम कर लेना। और यहाँ से इरेजर पर जाएंगे। इरेजर पर जाने के बाद गाइस आपको ऐसे कुछ इस टाइप से इरेज कर लेना है, बिल्कुल इस तरीके से इरेज कर लेना आप लोग। और यहाँ से ये भी रह गया है, इसको भी इरेज कर लेना है। तो इतना कर लेने के बाद गाइस आप लोग ओपेसिटी को थोड़ा सा बढ़ा लेना है। और बढ़ा लेने के बाद गाइस आप लोगों को इसे राइट क्लिक कर लेना है। जैसे राइट क्लिक करेंगे आपका फ़ोटो सेट हो जाएगा। तो सेट हो जाने के बाद गाइस आपको ऐड फोटो में जाना है, अरे टूल्स पे जाना है। टूल्स पे जाने के बाद एडजस्टमेंट में मारे जाने के बाद ब्राइटनेस को थोड़ा सा बढ़ा लेना है कुछ इस टाइप से। और बढ़ा लेने के बाद इरेजर पे जाना है। इरेजर पे जाने के बाद इन्वर्ट कर लेना है और रिसेट पे जाना है। आपको कुछ इस टाइप से चला लेना है। कुछ इस टाइप से चला लेना है गाइस, और आप बढ़ा के भी देख सकते हो। बढ़ाने के बाद यहाँ पे देखो बाहर आ गया है, तो इसे इरेज कर लेना बाहर जो भी है। तो इतना कर लेने के बाद गाइस आपको राइट क्लिक कर लेना है, थोड़ा सा ब्राइटनेस को कम करना है इतना। और जैसे राइट क्लिक कर लेना है, राइट क्लिक कर लेने के बाद गाइस आपको एक हेयर की पेंज मिलेगी, इसे ऐड कर लेना है। तो मैं ऐड कर लेता हूँ। तो यहाँ फ्लिप पे चल जाना और इस तरफ से इसको कर लेना है। और कर लेने के बाद गाइस आपको कुछ इस टाइप से लगा लेना है। ये हेयर तो फिट नहीं हो रहा है, तो आपको अपना फ़ोटो सेव कर लेना है गाइस, ठीक है। और सेव कर लेने के बाद अपना लाइट रूम ओपन कर लेना अपने फ़ोन का। तो लाइट रूम ओपन कर लेने के बाद गाइस आपको इस प्लस वाले आइकन पे जाना है और उस फोटो को, जिस फ़ोटो को एडिट किया है पिकार्टिस में, उसे अपलोड कर लेना है और ऐड कर लेना है। ऐड कर लेने के बाद गाइस अब उस फोटो को सिलेक्ट करना है। तो इस फोटो को सिलेक्ट कर लेने के बाद गाइस आपको जाना है इस वाले ऑप्शन पे। इस वाले ऑप्शन पे आ जाने के बाद आपको इसको थोड़ा सा बढ़ा लेना है, कम कर लेना है कम, और इसको बढ़ा लेना है और हाईलाइट को भी बढ़ाना है, शैडो को भी बढ़ा लेना, वाइट को भी बढ़ा लेना है। और इसको भी बढ़ा लेने के बाद आपको जाना है मिक्स पे। मिक्स पे जाने के बाद इस वाले ऑप्शन पे आएंगे। इस वाले ऑप्शन पे आएंगे और इसको कुछ इस टाइप से बढ़ा लेना है।
बढ़ाने के बाद सिचुएशन को कुछ इस टाइप से कर लेना है, हल्का सा टेम्परेचर को थोड़ा सा बढ़ा इस ट्रक से कर लेना और मिक्स पे आ जाना है। मिक्स पे आने के बाद इस वाले ऑप्शन पे आएंगे, आपको इसको इस तरफ कर देना और इसको बढ़ा लेना, लिमनेस को और ह्यू को थोड़ा सा ही माइनस कर लेना। माइनस कर लेने के बाद आपको इस वाले ऑप्शन पे आना है, इस वाले ऑप्शन को इसको इतना कर लेना और इसको इस तरफ कर लेना और इसको बढ़ा लेना। और इतना कर लेने के बाद गाइस आपको इस ऑप्शन पे आएंगे, तो आपको इस वाले ऑप्शन पे आने के बाद इसको इतना कर लेना और इसको बढ़ा लेना और इसको थोड़ा सा कर लेना और इसको भी थोड़ा सा। आप इस वाले ऑप्शन पे आएंगे, इसको थोड़ा सा इतना करना है और इसको फुल्ली कर लेना है और इसको थोड़ा सा बढ़ाना है, इसको भी थोड़ा सा। आप इसको फुल कर लेना है और इस इतना कर लेने के बाद गाइस आपको इस वाले ऑप्शन पे आएंगे, दोनों को ऑन कर लेना है। और इतना कर लेने के बाद गाइस आप देख ही सकते हैं बिफोर आफ्टर, तो हमारा फ़ोटो बन के तैयार हो गया लाइटरूम में। तो आपको अपने फ़ोटो को सेव करने के लिए शेयर वाले आइकन पे जाना है और इसे सेव कर लेना है। आई होप गाइस आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, और गाइस सपोर्ट करो, लाइक करो, कमेंट।